इस वक्त हम बहादुरगढ़ में मौजूद हैं और एक अलख हरियाणा में जगी थी हिमपुत्री रीना भट्टी को एवरेस्ट फतेह जो 2024 मिशन वो लेकर के चल रही है। आज उस मिशन में हिसार से चल कर के बहादुरगढ़ तक की डॉक्टर्स टीम और तमाम लोग जुड़ चुके हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से आज वो अपना सहयोग और आशीर्वाद उन्हें दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब, सर आज रीना भट्टी आप लोगों के बीच में आई हैं और आप लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, क्या कहना चाहिए? ये इट इज़ आर प्लेजर, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एक बच्चा हमारे पास आया और हमको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि वी कैन बी ऑल्सो चैलेंजिंग। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आर्थिक तंगी के कारण रह जाती हैं, आज लोग आप इनके सहयोग में आए हैं, क्या मैसेज? देखिए, आर्थिक तंगी तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इतना बहुत बड़ा टैलेंट हिंदुस्तान में है जिसकी कोई कमी नहीं है। जहाँ तक जब हमें पता लगा कि ये हमारी बिटिया जो है हरियाणा प्रदेश से और उससे जाके ये हिमालय पे चढ़ना चाहती हैं, तो हमें सबसे पहले गर्व महसूस हुआ कि हम उसके पार्ट का हिस्सा बने। सो वी ऑल फ्रॉम द हॉस्पिटल्स ऑफ बहादुरगढ़ विश हर बेस्ट ऑफ लक एंड मे शी प्रोग्रेस इन हर लाइफ वेरी वेल, थैंक यू। डॉक्टर विकास, आप क्या कहना चाहेंगे, एक बेटी की मदद के लिए आप पूरी टीम आगे आई? सबसे पहले तो मैं रीना को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और हमारे बेस्ट विशेज हैं गुड़िया के साथ कि ये भगवान करे जो इसका टारगेट है, जो इसने सपना चुना है वो पूरा हो। और हमारे तो वैसे खुशी की बात है, जैसे डॉक्टर बंसल ने बताया, दीपक जी ने बताया कि हमारे कि हम भी एक इतना एक नेक काम है, शुभ काम है, हम एक इतनी टैलेंटेड लड़की हैं उसकी कहीं ना कहीं एक इतने बड़े मिशन का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए ऑलरेडी गर्व की बात है। बस ये जी, आप इकट्ठे होकर के सभी डॉक्टर्स ने आज रीना का सहयोग किया है और इनके भविष्य के लिए इन्होंने एक मिशन 2024 फतेह एवरेस्ट चुना है, उसमें हिसार से लेकर आज बहादुरगढ़ तक के लोग अलग जगह आ रहे हैं, उनके सहयोग में आए हैं, क्या मैसेज? देखिए, ये जो गुड़िया है रीना भट्टी जी, इन्होंने पहले भी अटैम्प्ट किया था और 50 मीटर से केवल ही रह गई थी, तो इनका प्रोत्साहन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा तो एक मैं बात बताना चाहूँगा, दान देने वाले से दान को इकट्ठा करने के लिए कोई आदमी जो आता है, जो आगे बढ़ करके किसी को बोलता है कि आप ये डोनेशन कीजिए किसी अच्छे कोज के लिए, सबसे पहले तो हमारे भाई अनिल बालकिया जी जिन्होंने हमारे को ये करने के लिए प्रोत्साहित किया और गुड़िया जिन्होंने दोबारा अपने आप को मजबूत किया। हम तो एक किसी चीज़ का हिस्सा हैं, भगवान ने हमारे को मौका दिया है तो हम दे पा रहे हैं। ये तो आदमी का किसी का एक रुपये का मौका होता है, किसी का 10 लाख का मौका होता है, ये तो गुड़िया ने जो मेहनत अपनी, इनकी खुद की मेहनत है और सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और मैं तो चाहूँगा कि ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट और भी जहाँ पर भी ये जाना चाहें ज़रूर ये जाएं और आगे भी जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके लिए पूरा बहादुरगढ़ का एसोसिएशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन, हम इनके लिए खड़े मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज? यस, सबसे पहले तो मैं रीना बिटिया को शुभकामनाएं देता हूं और जैसा कि पास्ट में भी इन्होंने यूरोप में जाकर के काफ़ी दुर्लभ जो चोटियां थी, जो इवन माउंट एवरेस्ट से भी डिफिकल्ट थी, वहां पे फतेह हासिल की है और 2024 में जो इनका मिशन है, पुनः इनको शुभकामना और साधुवाद देता हूँ कि ये अपने मिशन में सक्सेस हो और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पे आज हमारे नर्सिंग होम एसोसिएशन बहादुरगढ़ से जो जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं पांचों हॉस्पिटल से, उन जो भी हम अपनी तरफ से इनकी हेल्प कर सकते हैं वो उनकी हेल्प करेंगे और भविष्य में भी हेल्प करेंगे। और इस सब के लिए मैं अनिल जी का, दोनों अनिल दुल जी का, अनिल बालकिया जी का, खट्टर साहब का, बंसल साहब का, सचिन जून का, विकास तलान जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये सब इकट्ठे होकर के इस गुड़िया की हेल्प के लिए जो आगे एक कदम बढ़ाया है कि ये इस तरह की बच्ची जो नारी शक्ति का एक प्रकार से ये मान के चलो के रूप है, और इस तरह की जब बच्ची कामयाब होती हैं तो हमारी और हज़ारों बच्चियां प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उससे एक इंस्पिरेशन लेती हैं। तो आई अगेन विश हर बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सभी लगातार रीना को शुभकामनाएँ दे रहे हैं, आप लोग सहयोग के लिए आगे आए हैं, एक बहुत सराहनीय कदम है, आपका क्या मैसेज? मैं तो सभी डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर बंसल, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर विकास और सचिन जिन्होंने सभी ने मिलकर आज इनका सहयोग किया और बच्चे को बेस्ट विशेष दी और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको फिर से उनको खड़ा किया कि आप करो और देश का नाम रोशन करो, उनको बेस्ट विशेष करूँगा और सबका धन्यवाद करूँगा। और मेरे बड़े भाई अनिल बाड़के का भी धन्यवाद करूँगा, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया भी आप इनका सहयोग करो ताकि
हमारा देश का बच्चा आगे जाकर पूरे विश्व में नाम कमा सके। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहिबान ने मैसेज दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कड़ी को जोड़ने का जो काम किया है वो अनिल बालकिया ने किया है, अपनी बहन के लिए, अपने गांव की बेटी के लिए। उन्होंने हिसार ही नहीं, हिसार से लेकर बहादुरगढ़ तक पहुँच करके अपने जितने भी जानने वाले सहयोगी साथी हैं उनकी मदद से आज उन्होंने एक मुकाम हासिल करने के लिए उसको आगे बढ़ाया है। और उन्होंने वादा किया है कि किसी भी प्रकार से आर्थिक तंगी के कारण उसकी जो हौसलों की उड़ान है उसको नहीं रुकने दिया जाएगा। अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, एक बहुत बड़ा मैसेज आज समाज में देने की आज पहल कर चुके हैं और अपने साथियों के साथ ही डॉक्टर्स के साथ मिलकर के आज आप शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ बहादुरगढ़ आप लोग पहुँचे हैं, क्या मैसेज? अनूप जी, जैसा कि मेरे नॉलेज में कम से कम 5-7-10 दिन पहले ये चीज़ आई कि मेरे गाँव की बेटी है, मेरी बहन है, उसको माउंट एवरेस्ट और डोलागिरी जाना है और उसके राह में फाइनेंशियल जो हेल्प है वो रोड़ा बन के आ रही है। तो फिर मैंने अब सब भाइयों से रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, इनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा कि मेरी बहन है, ऐसे ऐसे उनको माउंट एवरेस्ट जाना है तो उसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो मेरे एक कहने के बाद दूसरी बार मैंने ये जितने डॉक्टर साहब बैठे हैं, अनिल है, डॉक्टर बंसल हैं, डॉक्टर दीपक हैं, डॉक्टर विकास हैं, डॉक्टर सचिन हैं, डॉक्टर बंसल जी हैं, तो उन्होंने एक मिनट नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि फ्राइडे 6 करो टाइम्स 4 बजे हम आपको इस चीज़ के लिए पूरा मदद करेंगे और मैं इनका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। मैं राशि जितनी इन्होंने दी है उसके लिए ये मेरे लिए इतनी है कि मैं अपने शब्दों में इसको बयान नहीं करता। पुनः सभी पूरी मेडिकल एसोसिएशन बहादुरगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एवरेस्ट फतेह करने के लिए, खास करके जब दो चोटियाँ क्लाइम करने की बात हो, तो एक राशि का बहुत बड़ा दायरा आ जाता है और एक सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की के सामने जब वो 50 मीटर से वापस आई और आज दोबारा चढ़ने का हौसला नहीं कर पाई थी, ऐसे में गाँव के लोग, आप जैसे भाई सामने आ गए हैं, तो गांव की ओर से और अन्य मददें क्या? अनूप जी, कल गांव बाड़क में भी रीना का प्रोग्राम है, ऐसे ही हम उसको पूरे गांव की तरफ से सम्मानित करेंगे और मैं पुनः आपको रीना को इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं कि फाइनेंशियल कमी की वजह से इसको रहने नहीं दिया जाएगा। शारीरिक मेहनत खुद रीना को करनी है, लेकिन मैं आपको और पूरे गांव की तरफ से, पूरे मेरे यार दोस्तों की तरफ से, पूरी सर्कल की तरफ से इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं कि पैसे की कमी के बिना से रीना को रहने दिया जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल अनिल ने साफ शब्दों में पहले भी बोल दिया था और अब दोबारा से अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ उन्होंने बोल दिया है और ये हम देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने इनको मैसेज दिया है, इससे कतई ये जाहिर हो जाता है कि अब आगे से कम रीना भट्टी की जो आर्थिक तंगी है वो आड़े नहीं आएगी। बाकी तो मेहनत इसे करनी है, रीना खुद मौजूद है। रीना, बड़ा इमोशनल सा टाइम है कि ऐसे माहौल में एक तरफ प्रैक्टिस चल रही है, दूसरी तरफ अपने सहयोग के लिए अपने अपनों के बीच में आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मेरे पंखों को शायद और ज़्यादा मजबूती मिल गई। कुछ टाइम पहले मैं शायद ये फील करती थी कि हाँ चलो पता नहीं कैसे होगा ये सब मिशन, बट हाँ ये सोच लिया था कि मेरे को ये कम्पीट करना है। एवरेस्ट का मैंने 23 के बाद जब वापस आई थी तो मैंने डिसाइड किया था और अभी एक और ऐड हो गया है तो माउंट धौलागिरी भी मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। और जब से मैं अनिल भैया से मिली हूँ तो उन्होंने बोला था कि मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने अपना प्रपोजल रखा कि 40 लाख का भैया ऐसे ऐसे है तो मैं कैसे करूँ। उन्होंने सिर्फ 2 दिन का टाइम मांगा और 2 दिन के बाद में उसी टाइम मुझे फील होना शुरू हो गया था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ और अब सभी आपके सामने हैं और इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो शायद अब मैं ये सिर्फ मेरे लिए ये है कि मैं और जी जान से मेहनत करूँ और जो विश्वास इन्होंने दिखाया है मेरे ऊपर मैं उस पर कायम उतर जाऊँ। तो अब तो लगने लगा है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतना सारा परिवार जब जुड़ जुड़ कर एक बहुत बड़ा कुनबा आपके साथ बन गया है और अनिल भाई साहब और तमाम डॉक्टर्स टीम ने आपको आश्वस्त कर दिया है, तो अब इसके आगे तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि डॉक्टर का पूरा टीम और बड़े भाई जो साथ में खड़े हैं, तो एक बहन के लिए और इससे बड़ा और क्या हो सकता है, तो मेरे को और ज़्यादा मजबूती मिली है और मैं सीरियसली मतलब धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप ऐसे आगे आए और एक बहन का ऐसे हाथ थामा। देखिए, आर्थिक मदद की इसमें ज़रूरत रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके बाद इतने सारे लोगों की दुआएं मिलना, उसको लेकर के क्या कहें?
जब माउंटेन क्लाइंब करते होते हैं तो ये दुआएं मेरे शायद काम आती हैं, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आप 14 घंटे 15 घंटे कंटिन्यूसली चल रहे हो, मेंटली आपको पूरा गेम खेलना होता है, फिजिकली आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, तो ये जो दुआएं मेरे को मिल रही हैं तो ये मेरे पैरों में जान भरेगी और मैं क्लाइंब करूँगी जी। देखिए, ये बहादुरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद थे और रीना ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो सहयोग और आशीर्वाद उन्हें मिला है, यही उड़ान उनको एवरेस्ट की चोटी तक फतेह करेगी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रवि पथ, बहादुरगढ़।